जेई एडवांस 2022 का सीक्वेंस एंड सीरीज का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे बच्चों। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के प्रोफाइल के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट ए वन ए टू ए थ्री बी एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म ए वन इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8। लेट टी वन टी टू टी थ्री बी द टर्म्स सच दैट टी वन इक्वल टू 3, टी एन प्लस वन माइनस टी एन इक्वल टू ए एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, टी 20, टी 30, समेशन ऑफ 20 टर्म्स, समेशन ऑफ 30 टर्म्स। तो सबसे पहले क्या करिए, जो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है बच्चों ए वन इक्वल टू 7 और कॉमन डिफरेंस अगर डी ले ले वो कितने के बराबर है, 8 है, ठीक है ना। तो मेरे पास एक और जो रिलेशन दिया हुआ है दैट इज टी एन प्लस वन माइनस टी एन इक्वल टू ए एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अगर सम ऑफ एन टर्म्स लिख दूं, ये टी एन का सम ऑफ एन टर्म्स यानी एस एन इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट 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 टी एन, इसी को अगर थोड़ा शिफ्ट करके लिखा जाए, स्टैंडर्ड है, जैसे ये टी वन है इसको यहाँ पर मैं लिख दिया टी वन प्लस यहाँ पर मैं टी टू प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी एन माइनस वन और अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा टी एन होगा। ये मेथड डिफरेंस मेथड कहलाता है, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैं बच्चों इसको अगर हम लोग फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे दे, इसको अगर टू नंबर इक्वेशन दे दे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ये टी वन एज इट इज रहेगा, यहाँ हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, यहाँ टी थ्री माइनस टी टू, यहाँ टी एन माइनस वन और यहाँ माइनस टी एन। तो इधर में हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 0 इक्वल टू टी वन प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा टी टू माइनस टी वन प्लस टी थ्री माइनस टी टू प्लस डॉट डॉट टी एन माइनस वन और यहाँ पर मैं माइनस, ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस टी एन। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ये टी एन को अगर इधर लेके चल जाए, ये टी एन को उधर लेके चले जाए तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा राइट हैंड साइड में यानी टी एन इक्वल टू टी वन प्लस वॉट इज टी टू माइनस टी वन, एन का वैल्यू वन करेंगे, अगर हम यहाँ पर मैं टी टू माइनस टी वन लिखते हैं एन का वैल्यू वन तो ये कितने के बराबर होगा ए वन। इसी तरह से एन का वैल्यू टू लिखेंगे तो आपको टी थ्री माइनस टी टू इक्वल टू ए टू, यानी ये वाला ए वन है, ये वाला ए टू है डॉट डॉट और ये वाला टी एन प्लस वन माइनस टी एन ए एन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा ए एन माइनस वन, यानी ये टी वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन, ठीक है ना, ए एन माइनस वन। अब देखो यहाँ पर मैं आपके पास में टी वन कितना दिया हुआ है, टी वन दिया हुआ है आपको थ्री, यानी टी वन कितना हो जाएगा थ्री। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं यानी टी एन इक्वल टू टी वन, वट इज टी वन थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस, ठीक है। ए वन यहाँ पर मैं ए वन प्लस ए टू यानी ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन और इसको लिख देंगे थ्री प्लस यहाँ पर कितने टर्म्स है एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन बाई टू इंटू टू टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन माइनस एपी का सम, ये एपी का सम है ना, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स किसका एपी का। तो जो एपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, टू ए प्लस एन माइनस वन यानी एन माइनस वन माइनस वन एन माइनस वन इंटू टी, अब यहाँ पर इसको रख दीजिए थ्री प्लस एन माइनस वन
डिवाइड बाई टू, यहाँ पर टू ए वन, तो फर्स्ट टर्म कितना है ए वन आपके पास में, फर्स्ट टर्म आपके पास में है सेवन यानी 14 प्लस एन माइनस टू इंटू वट इज डी, कॉमन डिफरेंस 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आ गया 3 प्लस 7 इंटू एन माइनस वन प्लस 4 इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 प्लस एन माइनस वन बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, एन माइनस वन बाहर निकाल दिया तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर मैं 7 प्लस 7 प्लस एन माइनस 4 एन माइनस टू, यानी ये हो गया 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 4 एन माइनस वन। जब इसको सॉल्व कर देंगे आपको तो यहाँ पर मैं ये सारा टर्म क्या है टी एन के बराबर है, तो जो मेरे पास एनएथ टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस 4n² माइनस 4n माइनस n यानी माइनस 5n प्लस 1, यानी आपके पास टी एन का वैल्यू आ गया 4n² माइनस 5n प्लस 4, यानी 4n² माइनस 5n प्लस 4। अब आपको देखना है T20, अगर n का वैल्यू 20 रखेंगे बच्चों तो T20 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 20 यानी 100 प्लस 4 यानी माइनस 96, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ रहा है, ये आ रहा है 400 इंटू 4 यानी 1600, 1600 माइनस 96 यानी 1504, 1504, और ये आंसर नहीं है, यानी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है T20 ये कितने के बराबर है 1504, तो ये गलत हो गया। इसी तरह से अगर T30 निकालेंगे बच्चों, T30 तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 30 का होल स्क्वायर माइनस 150 प्लस 4, तो यहाँ पर मैं कितना हो रहा है 4 इंटू 9 यानी 3600, 3600 माइनस 150 प्लस 4, और ये आंसर आ जाएगा 3454, इट विल बी द आंसर 3454, यानी जो हमारे पास में T30 है इसका आंसर आ जाएगा 3454, ये ऑप्शन सही हो गया यानी सी सही है, ठीक है। इसी तरह से T20 और T30 का सम निकालना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, फिर आपको सम निकालना होगा, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका समेशन कर देंगे टी एन का, अगर टी एन का समेशन कर दे तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग, यानी टी एन का वैल्यू आ गया आपके पास में 4n² माइनस 5n प्लस 4, और जब आप समेशन टी एन करोगे n इक्वल टू 1 to 20, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 समेशन n इक्वल टू 1 to 20 n² माइनस 5 समेशन n इक्वल टू 1 to 20 n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to 20 और ये 4। तो जब इसको सम करेंगे हम लोग तो इसका आंसर देख लेते हैं, 4 इंटू इसका आंसर n² का, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं n इंटू एन प्लस 1 यानी 21 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n
इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स माइनस फाइव, इसका एन इंटू एन प्लस वन यानी 20 डिवाइड बाई टू एन इंटू एन प्लस वन 21 प्लस फोर, कितने टाइम्स होगा 4 इंटू 20। और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपको आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 35615, ये इसका आंसर आ जाएगा 35615 फॉर 20 टर्म्स, यानी 20 सॉरी ये जो 20 टर्म्स है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में। आप चेक करके देख लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना। यू विल गेट द आंसर एज 10510, 10510 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन पार्ट आपको कर लेना है। तो इसी तरह से हमारे पास में यानी ये जो ऑप्शन है हमारे पास में कौन सा वाला T20, इसका आंसर ये हो गया। इसी तरह से आपको T30 निकालना होगा, तो T30 का जब आप सॉल्व करेंगे तो T30 का आंसर जो है यानी इसी तरह से अगर हम लोग समेशन ऑफ T30 करते हैं, समेशन एन इक्वल टू 1 to 30 T30, तो आपको क्या करना पड़ेगा 30 टर्म्स तक का ऐड करना पड़ेगा, और 30 का जो आंसर आ जाएगा आप चेक कर लेना 35615, जो कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी T20 का सम तो मैच कर गया 10510, आपको कैलकुलेट कर लेना है, एंड T30 का जो सम है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, एक तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सी, ठीक है, और ये T20 और बी, यानी इस क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस आंसर हो जाएगा बी और सी। तो कैलकुलेशन पार्ट पे आपको वो तो कर लेंगे, मेन इसमें कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से हम लोग डिफरेंस लगा के सीरीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस सीरीज का फंडा हो गया। इसमें आपको क्या करना है, nth टर्म निकाल लेना है, nth टर्म आ गया 4n² - 5n + 4, तो यहाँ से T20 और T30 निकाल लिया, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। और इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, जो 20 टर्म्स का सम था तो उसको इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।